रवि। हाँ क्या हुआ यार? मेरा कट गया यार। यार ये इंश्योरेंस कंपनी वाले ना धोखेबाज होते हैं एकदम। मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूं। क्या कर दिया अब इंश्योरेंस वालों ने? अरे मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, मैं ड्रॉप के लिए जा रहा था, है ना, एक जगह पानी भरा हुआ था, मैं सोचा निकाल लेता हूँ, बाद में सर्विस करा लूंगा आराम से। फिर क्या, जब मैं सर्विस कराने के लिए गया तो उसने लाख रुपए का बिल थमा दिया भाई। फिर मैंने बोला मेरे पास इंश्योरेंस है, तो वो बोला कि ये वाला इंश्योरेंस यहाँ नहीं चल पाएगा क्योंकि इंजन पानी से डैमेज हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। वो बोला कि इंजन अगर ऑयल लीकेज, गियर बॉक्स या फिर वाटर के इशू से खराब होता है तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, सिर्फ एक्सीडेंट के केस में इंश्योरेंस का कवर मिलता है, बाकी वो पॉलिसी में कवर ही नहीं होता है। हाँ ये तो सच है, तो एक काम क्या कर, जब भी तू इंश्योरेंस लेना तो इंश्योरेंस कराते वक्त इंजन प्रोटेक्ट उसमें ऐड करा ले, है ना, ज्यादा खर्चे नहीं आएगा उसके, 2-3 हज़ार का खर्चा आता है। लेकिन इसके फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब भी तेरा इंजन डैमेज होगा ना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे पानी भरने से हो, चाहे लीकेज हो, चाहे कुछ भी हो, तेरा सारा जो इंजन से रिलेटेड चीज है, सारी चीजें इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगी। पक्का? अरे कर ले। थैंक्स भाई, इस बार मैं ये ऐड करवाता हूँ।